सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, वीवो लेके आ गया अपना वीवो का वी सीरीज का V17, जो एक स्मार्टफोन आपको वीवो का V17 प्रो का एक लाइटर वर्जन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम इस फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले, तो डिस्प्ले में आपको मिलती है 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इस डिस्प्ले की खासियत की बात यह है कि इसमें आपको 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। 91.38% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। हालांकि बॉडी की बात करें तो बॉडी में आपको प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऑल ओवर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो यह डिस्प्ले बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है जिस प्राइस रेंज में आपको वीवो ऑफर कर रहा है। अब बात आती है स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो बताता हूं इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11nm बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो सेम प्रोसेसर आपको वीवो के V17 प्रो में देखने को मिला था। ऑक्टागोर पॉड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और एड्रिनो का 612 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, वही सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो इसमें भी आपको सिंगल वेरियंट देखने को मिल जाता है। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इस फोन के रियर कैमरा की, तो रियर में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है और f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है, जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है, जिसका एपर्चर आपको f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। चौथा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है। तो आपको ऑल ओवर 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है और 4K और 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अल्ट्रा स्टेबल मोड में आपको वीडियो खींच सकते हो, यानी कि EIS ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्वाड कैमरा सेटअप बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो एक पंच होल कैमरा डिजाइन में आता है और HDR कैमरा और f2.45 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो बता दूंगा इसमें आपको 4500mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो एक 18W के ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एंड्रॉइड 9.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो एक आपको फन टच ओएस 9.2 के साथ में आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर और बैटरी के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और आपको बैटरी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दो इसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में भी आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 एमएम कॉर्ड है, जैक, ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड, ब्लूटूथ का 5.0, ड्यूल बैंड वाईफाई और ड्यूल वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे बात आती है इसकी कलर रेंज और प्राइस की, तो इसमें आपको 2 अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, मिडनाइट ओशन और ग्लेशियर आइस, ये 2 अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाती है। इसमें आपको सिंगल वेरियंट देखने को मिलता है, इसमें 2 नॉर्मल वेरियंट कोई भी देखने को नहीं मिलता। प्राइस जो रखी गई है 22,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा और ये फोन आपको 17 दिसंबर के आपको फ्लिपकार्ट और वीवो की ई स्टोर के वेबसाइट में आप परचेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस की कंक्लूजन की बात करें तो ये फोन बहुत ही अच्छा है जिस प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जैसे कि आपको जो प्रोसेसर है वो वही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसमें कोई अपग्रेड भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये वीवो V17 प्रो का एक लाइटर वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलता है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको वीक जैसे ही मिलेगी, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। कैमरा
कैमरा की बात करें तो कैमरा में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। कंपनी ने यह नहीं बताया कि कौन सा सेंसर लगाया है, लेकिन आपको ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो प्राइस रखी गई वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अगर थोड़ी सी 20,000 के अंडर में आती तो ये प्राइस बहुत ही अच्छी हो जाती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको बताते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, जैसे कि रियलमी का XT है या और भी कई सारे वीवो के जो फोन है आते हैं, तो वो भी फोन आप ले सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीवो का ये V70 आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।